बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भैन भरावान का की हाल चाल। उम्मीद करनी कि तुम ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है असं ठीक ठाक है। साड़ी दुआ है कि जिते भी रहो खुश तो बाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो मेरा भैन भीरा बीमार है अल्लाह पाक उन्होंने शफा दे, उन्होंने कारोबार बरकत तो रहमत अता फरमावे। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन्होंने औलाद देवे। जो बे रिजक है अल्लाह पाक उन्होंने रिजक अता फरमावे इस नेक महीने, क्योंकि अज का वलाक करने शुरू अल्लाह पाक का नाम लैके। बाहर तो मोल क्योंकि मैं अगर घर ही सारा भी खाली आ सुन अपने जमाने का ना जो है चांद है माशाल्लाह। मैं मैं सारा अपने भैन भीरा विजिट करवा निगर गया सी। ते मैं कहे मैं ना बड़ा पुराना बड़ा अरसा हो गया। मैं सारे हाँ जी ना ए लगा जंगला क्योंकि बड़ा पुराना ही है हड़प्पा। इतने ना फर्क हो गया ही। तो उस तो बाद इतने ना जिमें ना एक होंगे ना कमरे तो मकान वगैरह वह सारे थले निकल गए। तो दुनिया भी समझो आई वो वाली। तो मैं क्या बैना बिरावन में भी खा दी क्योंकि अज मैं बाहर आई सी। तो पहले कुछ साल अरसा काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अज पहले काफ़ी अरसा हो गया। 100 साल तो पहले की गल है, लेकिन हड़प्पा घर होया कुछ ऐसा इतने का माहौल है। शायद तुम कुछ ऐड भी पढ़ी हो सी, कोई सिलसिला भी होना है। लेकिन ये पुराने जमाने में काफ़ी अरसा हो गया। थले कुछ बंदे भी आदमी भी थले रह गए, कुछ उन्होंने लाशा निकाल लिया से। ना यह जड़ा ना इतने हड़प्पा वर्क होया सी। यह दीवारा भी कुछ हाली नज़र आ रही ने, ते कुछ तो थले ही उत्ते मिट्टी आ गई क्योंकि बारिश की वजह तो। क्योंकि ना वो उच्ची जगह हैगी, पहाड़ ने उच्चे उत्ते थले ने के ना है ने अगले जमाने के मकान। तो भलिया वक्त जोड़े होंगे आना इस तरह। तो क्योंकि यह खाली भी बनी हुई उन्होंने पानी क्ढण वाली। तो अगे जी सामने नज़र आ रही ना वो खूह भी हैगा। तो क्योंकि वह भी तुम अगे जाके विखानी हाँ, क्योंकि हिंदुआ का कराड़ा का खूह क्योंकि उतु पानी भरते हैं। तो मैं तुम्हें वह भी अगे जाके विखानी हाँ। तो सारे बहना बहन तुम मेरे नाल रहना, तो तुम मैं पहाड़ियाँ भी विखानी हाँ उत्ते चढ़ के जिस तरह बनी हुई। तो ना मैं भी आ जा रही उत्ते क्योंकि वह अगे भी कोई आए ने बहना, तो कोई बाजिया भी बाई होरी वेखन ली क्योंकि उच्चिया पहाड़ियाँ ने। तो मैं भी उत्ते जा रही हाँ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे बहन बिना भी खास माहौल। तो खोई भी विखानी है तो उत्ते जान की बड़ी मुश्किल बननी, बड़ा उच्चा सन है। हाँ जी, तो ना मैं आ गई उत्ते टिब्बिया के चढ़ के। तो थले का माहौल है तो ना बड़ा उच्चा टिब्बा है। तो वह थले नज़र आ रहा जो अगले जमाने खालियाँ नज़र आ रही ने पानी वाली। तो वह खूह हैगा जिथू ना अगे बंदे पानी भरते हैं। तो आ इटा उटा सारिया थले आ गई ने। तो बड़ा डूंगी जगह हैगी है। तो वाला सामने जो नज़र आ रहा ना क्योंकि उत्थे तो मैं नहीं जा सकती। तो वह मैं दोनों इतों दूरों ही दिखा रही हूँ बहन भीरावान क्योंकि बड़ी प्यारी जगह हैगी। क्योंकि ना इन्हें इस जी थले डिगिया पीना दीवारा इन्द थले ना इवें हड़प्पा खरक हो गया। तो इन्हें थले ना दुनिया भी हैगी है समझो। कोई तो निकल आई तो कोई लेके नहीं निकली। उवें उन्होंने हर चीज़ जो उन्होंने समान समून है थले आ गया क्योंकि बड़ा अरसा हो गया, कोई 100 साल हो गया होना इस जगह न इस तरह हो ही न। तो मैं अज आई सी इस साइड पर, तो अपनी मेरी अम्मी इस साइड पर रही। तो मैं क्या मैं भी बहन भी रहा विजिट भी बहर का करवा लव, बाहर का माहौल भी विखा लव। जा रहे वापिस उतना सीढ़िया चढ़ के क्योंकि ना सीढ़िया लगी हुई ने। यह हूँ असं उत्ते आ गए क्योंकि ना यह भी जंगल है माशाल्लाह। यह भी बड़ा डूंगा है। खूह है यह जिथू ना अगे पानी भरते हैं तो फसलों भी इतू पानी लाते हैं। तो वह वाला एक खूह व्डा ही वो तो नहीं सही। तो यह जो खूह है ना ये वाला ना यह बोर्ड भी लगे है कि तुम पढ़ सकते हो क्योंकि मैं तो अनपढ़ हाँ। तो तुम मैं विखा रही हूँ तुम आपे पढ़ जाना। तो यह उत्ते ना सारिया तस्वीर भी लगी हुई ने इंदिया जिस तरह होया सी वाकया।
ਐਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਗਰੇ ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨੌ ਗਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਕਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸੀ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਆਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹਾਂ ਕਬਰ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਬਰ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਗੇ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਇਸ ਨੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਕਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਕਰਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਫਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨੇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਹੀਂ ਸੇ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸੀ ਲੀਏ
वो साथ मेरे साथ वीडियो बना रहे थे, हम भी उसके साथ बना रहे हैं साथ साथ। ये क्यूट है, इतनी अच्छी है ना। ए भाई और उत्ते पहाड़ों की चढ़े हुए ने, थले आ रहे ने हुण क्योंकि बड़े उच्चे ने, क्योंकि मेरे नाल आए ने मेरा गवाड़िया का मुंडा है। असी मोटरसाइकिल से दोवें ही आए हैं, तो नाल साढ़े समनैन आया, वो अम्मी और चला गया, तो मैं बाहर तो बहना भी रहा मैं बह गई दो मिनट, मैं सह ला ली क्योंकि इतने बहन में बड़ा अच्छा माहौल है, गया चेहरा है ने। तो पिछा जंगल ही अजे तो नज़र आ रहे हैं, तो अगे जाके मैं दोनों लिए और चीज़ा भी खानी हाँ जड़िया ना बड़िया प्यारियां ही है, तो अगले जमाने दी मूर्तियां भी है ने, वो भी दोनों भी खानी हैं बहन भी रावान। अगले दरखत है ने जमाने के, क्योंकि ये माशाल्लाह वेखो किस तरह लेते हुए ने। तो मैं क्या सारी भी खा लव आए जो हाँ मैं वापसी जा रही हूँ, क्योंकि ना माशाल्लाह दरखत ही बड़े ज़्यादा ने इत्थे, ते क्योंकि ना बड़े दूरों दूरों इत्थे आंदी दुनिया क्योंकि सैल करन वास्ते, ते ना पहाड़ भी बड़े ज़्यादा ने, ते ना चलन नूं है उन्हें बड़ी अच्छी बनाई हुई जगह, ते साइडां ते तां वैसे कच्ची जगह हैगी, जान नूं वैसे रोड हैगा, ऐदां भी बड़ी अच्छी जगह हैगी, दरख्त भी लगे ने, ते ना कुर्सियां भी पईआं ने बहन नूं ना जिथे किसी का दिल करे उत्थे क्योंकि बह सकदे ने। बड़ी प्यारी जगह हैगी बड़ी माशाल्लाह, पार्क बने हुए बहन वास्ते, क्योंकि बच्चों के झूले भी बने हुए इत्थे, बच्चे भी बड़ा माहौल बड़ा प्यारा बने हुए। मैं तो मैं सारा लैना भी ना ए लेना, बच्चों के सारे झूले लगे ने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ने, गुलाबा दे माशाल्लाह बड़े प्यारे भी लगी है। तो यह दूसरे फुल गेंडे दे आगे ने जेडे पीले आते ने ना ए ने गुलाबा भी दूसरे भी ना, ये ना पुराने जमाने जड़ियाँ मूर्तियां है ना मैं वही भी खा देव। तो माशाल्लाह फुल बड़े प्यारे लगे ने, माली भी फिर है बड़ा प्यारा ही माहौल वेखो ए अगले जमाने का ना माशाल्लाह, ए ना अगलिया हड्डियां है ने माशाल्लाह वेखो किन्ना प्यारा। तो ना जड़ी है मैं तुम विखा रही हूँ ना जी अगे हड़प्पा इतने होया सी ना वरक योदी है, तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना देंगे तो, लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ मैं तो ना विखा लव, तो क्योंकि यह जहाँ सारा है पैर उन्होंने सारा ही ढांचा बने हुए है ना सारे बर्तन नहीं उन्होंने। हाँ जी, तो ना एक है मुद्दा है जेड़ा ने इन्ना उस जमाने का काढ़ के रखे है, ये ना म्यूजियम वाले है ने बर्तन आए ना, इन्होंने ये लाशा बच्चों मिलिया हैं जोड़ा हड़प्पा गर्क होया उनके तो इन्होंने फिर रखे हुए हैं, क्योंकि इतने ना यह जेडे उन्होंने बर्तन टुट गया ना, क्योंकि बड़े पुराने 100 साल आज तो पहले ये इन्होंने रखे हुए ने निशानी याददाश्त बनाई हुई। हाँ जी, तो ना तुसी वेख सकते हो सारा कुछ मैं तुम्हें विखा दिता है, उन्हें जो उन्होंने मिली सी ना मसलों ने हड्डियाँ उन्हों दियाँ वो इन्होंने संभाल के रखी हुई ने बिचू लभियां उन्होंने, क्योंकि उन्हें खोते थले उन्होंने बर्तन पै ने तैयार उत्ते फिर दोबारे विखा रही उन्होंने ढांचे ने नज़र आ रहे हैं दोनों। हाँ जी, तेना मैं आ गई कब्रगुस्तान भाई की कबर से, क्योंकि इन्होंने ना साल हो गया फौत हो तो अबू जी की कबर हैगी, तो यह मेरे भाई भी हैगी क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे बच्चे भी है, अल्लाह पाक इन्होंने जन्नत देवे
अल्लाह पाक अपनी मेरे में जन्नत जा देवे, तो जितने भी है पैने अल्लाह पाक इन्हें सारे जन्नत जा देवे, क्योंकि कब्रिस्तान सारा भरिया पाया, तो अल्लाह पाक जितने भी आने जन्नत जा देवे। तो हूँ जा रही हूँ घर, क्योंकि वापसी भी जाना, बच्चे भी घर कर लेने, तो क्योंकि ईद भी आई पहले भाई और मैं तो मैं हो ही आवा, क्योंकि भाई ने तो मिलना नहीं, तो चलो फिर मैं ही मैं मिले वा भाई ने, जो बाहर का मैं भैन भीरों विजिट करवाया ना। उम्मीद करनी है कि आज की ना वीडियो मेरे भैन भीरों साड़ी जरूर पसंद है, उसे लाइक करना, सबसक्राइब करना, साड़ी एंड तकर वीडियो देखना, क्योंकि आज मैं बड़ी मेहनत की, मैं कॉमेडी करके जरूर तुम दसना भैन भीरों। आज के व्लॉग की इतने चाहनी है इजाजत, अल्लाह हाफिज़।